नमस्कार दर्शक मित्रों, S24 न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। हमारे साथ उपस्थित है स्टूडियो में प्रेमदान भारती जी। प्रेमदान जी, आपका भी हार्दिक स्वागत करती हूं हमारे स्टूडियो में। जी नमस्कार। आज के हम विषय पे चर्चा करेंगे सर, इंटरनेट, मोबाइल, सोशल मीडिया, विद्यार्थी और युवा पीढ़ी पर जो प्रभाव है उनके बारे में हम बात करना चाहेंगे आपसे सर। अच्छा विषय, अच्छा विषय सर। तो सर, आपका परिचय तो वैसे सबको पता ही है, लेकिन टू शॉर्ट में आप पर अपना परिचय दे दीजिए सर। जी, डॉक्टर प्रेमदान भारती, राजस्थान से हूँ मैं। पिछले 28 वर्षों से राष्ट्रीय एकता, सांप्रदायिक सद्भाव पर देश के कई राज्यों में काम करता रहा हूँ। मेरे कार्य का क्षेत्र विद्यार्थी, शिक्षक, शिक्षा, विश्वविद्यालय रहा है। शोध कार्य मैंने यहीं सूरत से पूरा किया है और प्रतिदिन राष्ट्रीय चेतना पर नवीनताएं, नई रचनाएं, कुछ साहित्य लिखता हूं, लोगों तक पहुंचाता हूं, ताकि मुल्क की दशा और दिशा ठीक हो सके। जी सर, आपका धन्यवाद। हम बात करेंगे सर, विश्व को इंटरनेट के ने छोटा कर दिया है। जी जी जी। और क्या टेक्निक और विज्ञान के विकास को का आप कैसे रूप में लेने लेते हैं सर? जी, उसके बारे में बात कीजिए। असल में कर लो दुनिया मुट्ठी में, जी, इसका तात्पर्य ये रहा था कि दुनिया इतनी छोटी हो जाएगी कि सिमट करके आपके मोबाइल में आ जाएगी। बिल्कुल सर। आज हमारे पास में जो मोबाइल हैं उसे आप यूं कह सकते हैं कि आप छोटी दुनिया लेकर अपने साथ में घूम रहे हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो ये निश्चित रूप से विज्ञान की अपनी उपलब्धि है, एक कामयाबी है, लेकिन इसके जो विकासशील देश जो होते हैं, विकसित देशों के लिए तो विज्ञान ने कई आयाम खोल दिए हैं, लेकिन जो विकसित राष्ट्र हैं उनके लिए तो उपलब्धि है, लेकिन जो राष्ट्र विकासशील हैं, जो पिछड़े हुए हैं, उनके लिए तो इंटरनेट, विज्ञान और तकनीकी जो हैं असल में बंदर के हाथ में उस्तरा देने जैसा काम हो गया है। बिल्कुल सर। यानी अगर बंदर के हाथ में उस्तरा दे देते, वो उसका उपयोग करेगा कि दुरुपयोग करेगा, उस बेवकूफ़ को ये नहीं मालूम है कि उससे कट भी जाता है, उससे लग भी जाती है, चोट भी आ जाती है। तो हम भारत में, एशिया खंड के देशों में जो इंटरनेट का और ये जो विज्ञान का जो स्वरूप नज़र आ रहा है, ये कहीं ना कहीं हमारे युवा पीढ़ी को निठल्ला, निकम्मा, बेकार और लाचार कर रहा है। बिल्कुल। तो ये विज्ञान कभी कभी ऐसा लगता है कि जो चीज़ जिस रूप में आनी चाहिए थी, या तो वक्त से पहले आ गई, वक्त से पहले आ गई, या हम समझ नहीं पा रहे हैं कि वाकई इसका उपयोग क्या होना चाहिए। जी। तो इस दुविधा से हम लोग जिस तरह से गुजर रहे हैं, तो वाकई एक तरह से विज्ञान को वरदान भी आप कह सकते हैं, लेकिन एशिया खंड के देशों में इस तकनीकी ने, इस इंटरनेट ने जो जो माहौल बिगाड़ा है, जो जानकारी होनी चाहिए थी वो बिगाड़ा है, इसके लिए हम कह सकते हैं कि हम पिछड़े और विकासशील देश के लोग हैं, अभी हमारी समझ के बाहर का दायरा है। जी जी। आज की सर युवा पीढ़ी जो इंटरनेट का जो यूज़ कर रही है, जी जी, वो सही में गलत है या सही कर रही है, वो ही समझ में नहीं आता है सर। नहीं, असल में पहले ये होता था कि दुनिया की कोई भी जानकारी अगर आपको हासिल करनी होती थी, बिल्कुल, तो आप किताबों में जाते थे, पुस्तकालयों में जाते थे, वहाँ बैठ करके जानते थे, जानकारी हासिल करते थे, कौन क्या है, किस तरह से हैं। लेकिन अब चूंकि गूगल के माध्यम से दुनिया से जुड़ करके आप क्षणिक बिना कहीं गए जहाँ बैठे हैं वहीं सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल। अब वो जानकारी हासिल करने की तत्परता और तत्काल जो हमें जो उपलब्धि हुई है, अब वो अगर इसका उपयोग ज्ञान अर्जन के लिए किया जाए, यदि ज्ञान हासिल करने के लिए, जानकारी हासिल करने तक किया जाए, जी, तो इंटरनेट से बड़ा ऋषि कोई नहीं है। जी। वो आपको हर छोटी से छोटी जानकारी आपको गूगल के माध्यम से आप तक पहुंचा देती है, पहुंचा सकती है। अब अगर आप उसमें उसका दुरुपयोग करें, या जो जानकारी जिन जिस उम्र में जिन बच्चों को नहीं होनी चाहिए, वो भी अब चूंकि ये खुला आसमान है, इंटरनेट क्या है, खुला आसमान है, आपके सामने पतन के भी रास्ते खुले हैं और विकास के भी रास्ते खुले हैं। जी। जिसकी जैसी समझ होगी वैसे उसका उपयोग करेगा। बिल्कुल। इसलिए हम मात्र इंटरनेट को दोषी नहीं देना चाहते कि इंटरनेट ही इसके जिम्मेदार हैं। एक व्यवस्था का हिस्सा है, एक सुंदर प्यारी सी सुविधा है अपने पास में, दुनिया इसका सदुपयोग करे, ज्ञान हासिल करे, कितनी प्यारी सुविधा है। पहले एक एक
मोहल्ले से दर मोहल्ले जाने के लिए आदमी 10 लोगों को पूछता था, तब कहीं जाके वो उस ठिकाने पहुंचता था। आज आपके पास में इंटरनेट के माध्यम से सुविधा है, मोबाइल के माध्यम से बिना किसी को पूछे आप ठिकाने पे आराम से पहुंच सकते हैं। जीपीएस से हम आराम से पहुंच सकते हैं। बिल्कुल सर। तो मैं समझता हूँ कि भारत के युवाओं को इसका सदउपयोग करना चाहिए। दुरुपयोग करके वे अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, ये समझ में बाद में आएगा जी। लेकिन समझाने वाले चूंकि विश्वविद्यालय में से समझा नहीं रहे, विद्यालय में समझा नहीं रहे, माता पिता खुद उसी चक्कर में पड़े हुए हैं, तो ऐसी परिस्थिति में कौन इन युवाओं को रास्ता दिखाए कि ये एक तरह से सागर है, ज्ञान का सागर है, अगर तुम इसे गलत तरीके से उतरे तो डूब जाओगे जी। सो हमारे माध्यम से हम कुछ दे सकते हैं। हाँ, तो आप सर बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल। असल में क्या होता है कि समझदार बच्चे हों जिनको लाभ और हानि का पता हो कि इसको करने से क्या नुकसान होगा और क्या लाभ होगा, इतनी जानकारी अगर बच्चों को माँ बाप दे देते हैं जी, तो फिर उन्हें चाहे परमाणु बम पे बिठाओ या उनके हाथ में चाकू दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो लाभ और हानि जान चुके हैं। तो हमारे देश में क्या हुआ कि बिना जानकारी दिए, बिना प्रशिक्षण दिए, बिना बौद्धिक लेवल पे लोगों को लाए, इंटरनेट थमा दिया जी। बौद्धिक लेवल पे नहीं लाए। इसके क्या दुरुपयोग होंगे, माता पिता को पता नहीं, घर में वाईफाई ले लिया है, सभी लोग अपने अपने क्षेत्रों में बैठे हुए और अपना काम कर रहे हैं। तो मुझे हैरानी होती है कई बार कि ये जो स्मार्टफोन के द्वारा बेवकूफ बने हुए लोग जो घूमते हैं, बेवकूफ हैं वो, कहने को स्मार्टफोन उनके हाथ में है, बाकी यकीनन उनकी दिनचर्या, उनका खान पान, सोचना, विचारना, पढ़ना सारा बेवकूफों जैसा है जी। तो मुझे कई बार ये लगता है कि युवा पीढ़ी से इतनी गुजारिश करेंगे कि साहब ये ज्ञान का सागर है, आपके पास में कहीं जाने की जरूरत नहीं, दुनिया भर का ज्ञान आपके हाथ में है, आप अगर उसको ठीक तरह से उपयोग करते हैं तब तो यकीनन आप विद्वान हैं, बुद्धिजीवी हैं, वरना तो साहब ये एक नंगी तलवार की तरह है, दुधारी तलवार है, ये काट भी सकती है, आपको नुकसान भी पहुंचा सकती, तो सचेत रहने की जरूरत है जी। सर हमारा दूसरा क्वेश्चन ये था सर जी, सामाजिक माध्यमों से सामाजिकता बढ़ी है या घटी है, तो आप इनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? असल में भारत एक सामाजिक देश है, भारत में समाज व्यवस्था है, यहाँ लोगों को एक दूसरे के चेहरे से पहचाना नहीं जाता, रिश्तों से जाना जाता है। विश्व के कुछ देश हैं जिनको जो चेहरों से एक दूसरे को पहचानते हैं, जैसे फेसबुक हैं, तो ये उन लोगों ने बनाई हैं जो चेहरे को देख करके एक दूसरे को अट्रैक्शन होकर के परिचय होता है और मिलते हैं जी। भारत एक त्योहारों का देश है, एक सामाजिक देश है, एक संस्कारित देश है, तो इस देश में लोगों को मिलने का बहाना नहीं चाहिए, लोगों को मिलने के लिए कोई ना कोई आपको बहाना नहीं चाहिए, वो किसी न रूप में मिल लेते हैं जी। तो भारत में सामाजिक माध्यम, सामाजिकता सदैव रही है, त्योहारों के माध्यम से, पर्वों के माध्यम से, रिश्तों के माध्यम से, रक्षाबंधन हो, होली हो, दिवाली हो, तीज हो, त्योहार हो, ये क्या है, ये हमें सामाजिकता से जोड़ने के माध्यम है जी। उनके पास में पश्चिम में ये माध्यम नहीं है, बिल्कुल वो तो बड़े कंगाल है इस मामले में, बड़े बड़े लाचार हैं वो लोग, कि तो उनको तो मिलना जुलना भी होता तो कभी कभार होता है, वो घरों में भी कई कई दिनों तक मिलते नहीं हैं, तब उनको उनको अपनी बेचैनी को दूर करने के लिए और अपनी एकांत की कमी को दूर करने के लिए फेसबुक जैसे, ट्विटर जैसे माध्यमों का उपयोग उनको करना पड़ा, वो लाचार हैं क्योंकि उनके पास में सामाजिकता नहीं है। हम तो भारत तो सामाजिक राष्ट्र है, तो यहाँ तो कोई दुविधा ही नहीं है हमारे पास में। अब उसका दुष्प्रभाव ये हुआ कि हमारे यहाँ जो सामाजिकता थी, मिलते थे, बैठते थे, चर्चा करते थे, संवाद होते थे, परिचर्चाएं होती थी, साहित्यिक संगोष्ठियाँ होती थी, अब वो धीरे धीरे सिमट करके सामाजिक मान्यता पर रह गई जी। अब हम आपस में बात भी कम करते हैं क्योंकि हमें हमारे हम वाणी विहीन हो गए हैं, हम शब्द हम लिखते हैं, एक दूसरे को संदेश दे देते हैं, एक एक ज़माना हो जाता है लोगों से बात किए हुए, ये वहाँ चलता है। भारत को तो जिस दौर से भारत गुजर रहा है, यकीनन चिंता का विषय है कि हमारे बीच में संवाद समाप्त हो रहे हैं जी। और संवाद जहाँ समाप्त हो जाते हैं साहब, वहाँ रिश्ते मरने लग जाते हैं, मरने लग जाते हैं, सही तो है। आज भारत में सामाजिक माध्यम सामाजिकता की हत्या कर रहे हैं और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इतनी चालाकी से, इतनी धूर्तता से, इतनी मक्काराई से इन लोगों ने इस माध्यम को हमारे बीच में रखा है कि हम आकर्षक होकर के इसके अंदर डूब गए हैं। सही है। अब बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है।
बिल्कुल, बिल्कुल. अब माँ बाप जब मोबाइल उनके हाथ में थमाते थे तब तो प्रेस्टीज पॉइंट था, अब उनके लिए टेंशन हो गया है. सही है, ये मैंने हमने क्या कर दिया, ये हमने क्या कर दिया. सही बात है. तो उन बच्चों को जिनके हाथों में आपने कीमती फोन थमा दिए हैं, उनके मूल्यों की अगर आप रक्षा न कर सकें तो मैं समझता हूँ कि वो कंगाल माँ बाप हैं, लाचार माँ बाप हैं, जिन्होंने साधन तो खरीद के दे दिए, उपयोग का पता ही नहीं था उनको. सही है. तो मैं तो ये कहूँगा कि इस सामाजिक माध्यमों ने हमारी सामाजिकता को रुग्ण कर दिया है, बीमार हो गए हम. और आने वाले समय में साहब निवेदन करूँगा आपसे कि भारत में न्यूरो सर्जन की जबरदस्त मांग बढ़ने वाली है. हर गली मोहल्लों के बाहर आपको ऐसे डॉक्टर मिलेंगे जो मानसिक रोगियों को ठीक करेंगे, जो मानसिक रोगी हो जाएंगे, जिनकी नींद ठीक नहीं आ रही है, ज्यादा ज्यादा समय जो मुल्क स्क्रीन पे गुजारते हैं साहब, वो मुल्क बौद्धिक लेवल से कंगाल हो जाते हैं. जी जी. और भारत के साथ ऐसी घटना है, हो रहा है. बिल्कुल हो रहा है, हो भी रहा है और होने भी वाला है. हम लोग ये पढ़ते हैं कि फोन की बैटरी में बात करते थे और अचानक से मोबाइल फट रहा है. जी जी. ये सब चीजें तो बढ़ती ही जाती है. और उसके बाद में सामाजिकता की बात है तो हम भारतीय जैसे सामाजिक कहाँ मिलेंगे कि अगर एक बेटी भी गांव से विदा होती थी तो पूरा गांव रोता था. जी. कि गांव की बेटी मानी जाती थी, बेटी बाप की नहीं मानी जाती थी, गाँव की बेटी मानी जाती. और आज ये हालत है कि पड़ोस में अगर किसी की मृत्यु हो गई है तो लोग उसे मजाकिया तौर पर देखते हैं और निकल जाते हैं. जी. तो हम संवेदनहीन हो गए हैं. जी, इस जी, सामाजिक माध्यमों ने हमें मानसिक रूप से मार दिया है. हम प्रतिदिन मर रहे हैं, बावजूद इसके पता नहीं क्या, जिसे कहते हैं ना साहब कि जहर भी गुड़ में लपेट कर दिया गया है. दिया गया है. तो ये जो गुड़ था, अंदर तो जहर था लेकिन हमें तो पता नहीं था, हमें तो गुड़ समझ कर हमने खा लिया. जी. और वो खा तो मीठा मीठा लगा, पहले ठीक लगता है, ये इंटरनेट का उपयोग है, मोबाइल का उपयोग है, पहले ठीक लगता है, फिर उसके बाद में ये बीमारी की तरह, रोग की तरह, एक प्रदूषण की तरह आपके दिमाग को सुन्न कर देता है. सुन्न कर ही दिया है, ऐसा समझ लीजिए. हाँ, सुन्न कर देता है. और वो सुन्न किया हुआ न तो फिर सोच पाता है, न पढ़ पाता है, न लिख पाता है, न खा पाता है. कल मैंने एक चित्र देखा कि एक मोहतरमा अपने मोबाइल फोन में इतनी व्यस्त थी कि वो कब नाले में गिर गई उसे पता ही नहीं चला. अरे अरे. उसे पता ही नहीं चला कि वो नाले में कब गिर गई. लोगों ने बामुश्किल उसको बाहर उठाया तब पता चला कि वो मोबाइल पे बात कर रही थी. अरे हुजूर, दुनिया के व्यस्ततम लोग भी कैसी स्थिति क्यों ना हो जाए, अपने जीव को जोखिम में नहीं डालते वो फोन पे बात ही तो करनी, कौन सा करोड़ों का नुकसान हो जाएगा. क्षण भर के लिए रुक करके आप बात कर लें, उसके बाद में आप अपनी चर्चा करें. जी जी. तो लिहाजा मैं तो ये मानता हूँ साहब कि सामाजिक माध्यमों ने हमें बीमार किया है, हमें सचेत रहना चाहिए. खामोशी से आने वाले तूफान को आप देखिए, कहीं ऐसा ना हो कि सामाजिक माध्यम हमारी सामाजिकता को खा जाए, रिश्ते टूटने लगे, घुटन होने लगे. साहब घरों में घुटन महसूस करते हैं लोग, क्योंकि सबके पास में स्मार्टफोन है, सब अपने अपनी दुनिया में खोए हुए हैं. सर एक नई दुनिया बना दी. जी जी. तो उस नई दुनिया में हम तो आदमी तो अकेला पड़ गया. सही है, एकदम से सही सर, क्योंकि अब मोबाइल से ही सब कुछ हो जाता है. पहले तो हम फ्रेंड्स लोगों को भी मिलने जाते थे, चलो वीक में एक बार हम लोग मिलते थे, साथ में मिलके बातें करते थे, लेकिन अब सब मोबाइल से ही हो जाता है. लाइक मैसेज कर दिया, बात खत्म हो गई. मतलब जो रिश्ते भी है तो भी वो एकदम से दूर होते जा रहे हैं, दिन भर दिन प्रतिदिन दूर होते जा रहे हैं. सर मेरा दूसरा क्वेश्चन था, हमारे विद्यार्थी और उनके भविष्य पर इंटरनेट मोबाइल का क्या प्रभाव पड़ा है, विशेषकर समय के सदुपयोग का और दुरुपयोग का संदर्भ में के लिए मैं बात कर रही हूँ. समझ गया आपकी बात. असल में हमारे भारतीय विद्यार्थी बहुत प्रतिभाशाली विद्यार्थी हुआ करते हैं, और कुछ समय के बाद में कहा जाएगा कि भारत में प्रतिभाशाली विद्यार्थी हुआ करते थे. ये दोनों का फर्क सामने नजर आएगा. तात्पर्य, आज भारत के विद्यार्थियों का ज्यादा समय कहाँ जा रहा है, ये चिंता का विषय है. अब वो किताबों को कम पढ़ते हैं, मोबाइल पे ज्यादा रहते हैं. अब वो सिनेमाघर और टीवी के चैनल्स में घुसे रहते हैं. जी. पहले मैंने सुना था कि जिस मोहल्ले में सिनेमा घर होता था, जी, लोग उस मोहल्ले में अपना घर खरीदना पसंद नहीं करते थे. बोला वहाँ एरे गेरे लोग आते हैं सिनेमा देखने वाले. जी जी. और आज हर घर सिनेमा घर हो गया है. सही है, सिनेमा घर हो गया, उकता चुके हैं.
एक आदमी 15 मिनट में आप उसको रिमोट दीजिए टीवी का, वो 20 बार घूम जाएगा, वो क्या ढूंढ रहा है उस बेवकूफ को ये भी मालूम नहीं चलेगा, भी पता नहीं कि वो देखना क्या चाहता है, वो क्यों बार बार घूम रहा है उसके ऊपर। तो हम मानसिक रूप से इतने विकलांग हो गए हैं कि हमें ये भी पता नहीं कि क्या देखना चाहिए, क्या नहीं देखना चाहिए और क्यों देखना चाहिए। तो विद्यार्थियों को मेरा निवेदन है कि दुनिया की ताकतें, दुनिया की महाशक्तियां भारत की युवा पीढ़ी को बौद्धिक रूप से विकलांग करने का ठेका हिंदुस्तान में दे चुकी हैं। अगर हिंदुस्तान को बर्बाद करना है तो सीधा सा तरीका है कि यहाँ की जो नई नस्ल है, नई पीढ़ी है, उसको ऐसे काम में लगा दीजिए कि उसको पढ़ने की फुर्सत न मिले, सोचने का समय न मिले और वो धीरे धीरे धीमी गति से बौद्धिक रूप से मर जाए। जी। इतना गहरा षड्यंत्र है कि मुझे तो हैरानी होती है कि जब ये जियो, जियो ने जो इंटरनेट का फ्री देने का जो षड्यंत्र किया, हाँ जी, मैं इसे षड्यंत्र कहूँगा जी, असल में किसी एक व्यापारी ने इस राष्ट्र का क्यों नहीं सोचा। देखिएगा आप आने वाले समय में जियो के द्वारा दिए गए मुफ्त का जो ये जहर था, मुफ्त का जो जहर था जो परोसा गया, प्रतिदिन 1 GB आप उपयोग करें जी, तो बच्चों के परीक्षा परिणाम, महिलाओं के साथ में जो चिंतन, ये सारा का सारा हमारा सामाजिक ढांचा चरमरा के रह जाएगा। जब इस बार देश के सारे परिणाम आएंगे परीक्षाओं के, तो पता चलेगा कि हमारे बच्चे जो 90% ला रहे थे वो 75 पे आके अटक गए। सही है, कारण मैं उस सब्जेक्ट पे आई रही थी सर, जी, कि जियो ने जो मुफ्त इंटरनेट देने का जो देश को मतलब दिया है, तो देश को क्या लाभ हुआ है? नहीं, नुकसान हुआ जी, लाभ कहाँ हुआ जी, लाभ क्या, मतलब वो अंबानी जी और ये देश की शासन क्या चाहता है जी? देश ये चाहता है, मैं तो कई बार कहता हूँ मोदी जी को इस विषय में चिंतन करना ही चाहिए था कि कम से कम 1 दिन पूरे देश में इंटरनेट बंद रहे जी, पूरे देश में, ताकि लोग जिंदा तो महसूस हो कि लोग जिंदे भी हैं साहब, ये शहर चलता भी है, इस शहर में कुछ लोग हैं जो सोचते हैं, विचारते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं। तो हम लोगों को तो बौद्धिक रूप से मार दिया गया है बिल्कुल, हमें हमारे अब लोगों के हाथों में किताबें देखता ही नहीं, कि कोई आदमी किताब बैठ के पढ़ रहा है तो मुझे तो घटना लगती है, बड़ी घटना, अच्छी घटना, फोटो खींचो, अरे फोटो खींचो, आदमी किताब पढ़ रहा है, अरे सब फोटो सोशल मीडिया पे आती है कि घर में सब एक साथ मोबाइल लेके बैठे हुए थे, ऐसे ही सब चलता है। जी जी, तो ये जियो ने, जियो से भारी नुकसान हुआ है सब इस देश को, इस देश की नई नस्ल को बौद्धिक रूप से विकलांग और कंगाल करने का जो काम किया है, यकीनन निरंतर निरंतर बच्चे उसमें डूबे रहते हैं, उनके हाथ में, क्योंकि उनको मुफ्त मिल गया ना, अरे सब मुफ्त में जहर हो तो खाया थोड़ी जाता है, सब जहर मुफ्त में दे दिया तो खा के थोड़ी मरेंगे भाई, सोने की कटारी है ठीक है, आपको मुफ्त में दे दी, पेट में डालेंगे क्या आप उसको, ये सोने की कटारी तो है और क्या है, बिल्कुल प्यारा सा, ऊपर से 1 GB रोज का फ्री, अरे बेवकूफों वो मार रहा है, तुम्हारा समय खा रहा है, सही है। 1 GB का उपयोग करोगे तो तुम्हें मालूम है कितने घंटे तो तुम्हें व्यस्त कर दिया गया है, तुम्हारी किताबें छूट गई है, तुम्हारे घर के काम छूट गए और तुम लगे हुए उसमें जी जी सर। तो मैं तो गुजारिश करूंगा प्रशासन से भी और जो विद्वान लोग हैं उनसे कि कृपा करके ये जियो का जो जो चल रहा है इसको कम से कम अब उसके बाद में एक व्यापारी को तो अपना लाभ दिखता है जी बिल्कुल, वो राष्ट्रीय सोच नहीं रखता है या मेरी देश की नई पीढ़ी क्या सोचेगी, वो उसे कोई लेना देना नहीं, उसे अपने प्रॉफिट से मतलब है और वो लाभ कमाने के लिहाज से इस तरह का पूरा। तो नई पीढ़ी को सचेत करूंगा कि अपने वक्त का उपयोग अध्ययन में करो, भविष्य बनाने में करो, वक्त तुम्हारे पास में कम है, वक्त निकलने के बाद तुम पछताओगे और ये न तो जियो आड़े आएगा, न तुम्हारा दिन भर का ये 1 GB यूज जो कर रहे हो ये आड़े आएगा, तुम्हें कंगाल और मानसिक रूप से बेकार करके छोड़ देगी, लिहाजा इसका सदुपयोग ज्ञान में करो आप, अगर आपको करना है तो ज्ञान की राय हासिल करो, दुनिया की शानदार किताबें आप उस पर पढ़ सकते हैं, दुनिया का शानदार चिंतन आप उस पर देख सकते हैं, तो अगर उसका उपयोग, अगर दुरुपयोग आपने किया तो आपको ये कहीं का नहीं छोड़ेगा, कहीं का नहीं छोड़ेगा जी। तो ये सर बात हुई हमारे इंटरनेट, मोबाइल, सोशल मीडिया की, तो मैं बात करूंगी सर सोशल मीडिया कितना उपयोगी और कितना विश्वसनीय लगता है, तो नहीं बिल्कुल विश्वसनीय तो बिल्कुल नहीं लगता सर, असल में क्या हुआ है कि हमारे सामाजिक माध्यमों पर राजनीतिक, धार्मिक, सांप्रदायिक इन बातों को लेकर भड़ास निकाली जाती जी, और हम कितने सामाजिक रह गए हैं ये हमारे सोशल मीडिया को, अगर हिंदुस्तान के सोशल मीडिया को लेकर देखें तो दुनिया हैरान हो जाएगी कि हमारे ज़्यादातर जो संदेश होते हैं वे एक दूसरे को नीचा दिखाने वाले होते हैं जी, एक दूसरे को नीचा, राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे को नीचा दिखा रही, एक धर्म दूसरे धर्म को नीचा दिखा रहे जी, ये सामाजिकता है, ये ऐसी सामाजिकता के लिए हमने ये अपने हाथ में हथियार लिया है
ये तो हथियार हो गया एक तरह से जी, हम मार रहे हैं एक दूसरे को मार रहे हैं, हम वेर विमनुष्य बढ़ रहा है इससे। जो मन में आया आपने उसको अपलोड कर दिया, दुनिया ने देखा और लोग कहाँ पहुँच गए, तो होना तो ये चाहिए कि सेंसर हो इसके जी। धर्म संबंधी राजनीति संबंधी कोई व्यक्ति की आप आलोचना किए जा रहे हैं, उसको गधा बता रहे जी, उसे गधा बता रहे हैं, घोड़ा बता रहे हैं, कुछ भी बता रहे हैं, जो मन में आ रहा है। तो मैं तो ये मानता हूँ साहब कि ये बिल्कुल विश्वसनीय नहीं है, विश्वास कर ही नहीं सकते, क्योंकि पता नहीं कौन आदमी क्या सोचकर क्या चित्र बनाकर किसके साथ जोड़कर कहाँ डाल दिया, कहाँ डाल दिया, और आप उसको देखते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, क्या मतलब इसका, क्या मतलब, मतलब उन संदेशों के कचरे से क्या मिल रहा है मेरी समझ में नहीं आता। और लोग बाकायदा हुजूर ऐसे ऐसे लोग देखे हैं कि रात को बाकायदा जब भी उनकी आंख खुलती है, चाहे 2 बजे हो कि 3 बजे हो, वो बेवकूफ उठकर अपना फोन पहले टटोलेगा। अरे हैरानी हो जाएगी, हैरानी की बात है। बिल्कुल। तो मैंने सोशल मीडिया की वेदना पे लिखा है, मैं आपकी नजर कर रहा हूँ जी जी, कि सोशल मीडिया ने तो कमाल कर दिया जी, सोशल मीडिया ने तो कमाल कर दिया, जीना सोना गाना हंसना बेहाल कर दिया। वाह। सोशल मीडिया ने तो कमाल कर दिया, जीना सोना गाना हंसना बेहाल कर दिया, हर उम्र हर वर्ग के गरीब अमीर नर नारी, हर उम्र के हर वर्ग के गरीब अमीर नर नारी, संवेदनाओं में अमीर, संदेशों में अमीर, मगर कंगाल कर दिया। कंगाल कर दिया, क्या बात है सर, मगर कंगाल कर दिया जी। और क्या मिलता दिन भर के संदेश के कचरे से, क्या मिलता है दिन भर के संदेशों के कचरे से, कल एक नादान बच्चे ने मुझसे सवाल कर दिया जी, कल एक नादान बच्चे ने मुझसे सवाल कर दिया, और सामाजिक होने के चक्कर में कहां भटक गए। अरे वाह, सामाजिक होने के चक्कर में हम कहां भटक गए हैं, हमने वाकई धोती फाड़ कर रुमाल कर दिया। अरे बाबा, वाह, धोती फाड़ कर रुमाल कर दिया है, सोशल मीडिया ने तो कमाल कर दिया, जीना सोना खाना हंसना बोलना मुहाल कर दिया है। और पहले ध्यान पूजा ज्ञान विवेक में जीते थे हम जी, पहले ध्यान पूजा ज्ञान विवेक में जीते थे हम, अब मन को विचारों का जंजाल कर दिया, जंजाल कर दिया है मन को विचारों का जंजाल कर दिया है, सोशल मीडिया ने तो कमाल कर दिया है। और मिलते थे समारोह में होती थी सुंदर चर्चाएं, मिलते थे समारोह में होती थी सुंदर चर्चाएं, ये हमारे मन का हमने क्या हाल कर दिया है, सोशल मीडिया ने तो कमाल कर दिया है, जीना सोना गाना हंसना सब बेहाल कर दिया है। और देखिए आप कि तनाव की दुकान हो गए हैं, बिल्कुल सही बात, तनाव की दुकान हो गए हैं हम, सामाजिक हैवान हो गए हैं, सही है, तनाव की दुकान हो गए हैं हम, सामाजिक हैवान हो गए हैं, मोबाइल नंबर किसी को क्या दिए, मोबाइल नंबर किसी को क्या दिए, मैसेज से परेशान हो गए, परेशान हो गए, सही बात है सर, जब मन में आया जो मन में आया भेज दिया, भेज दिया। मेरे ऐसे बहुत से मित्र हैं जो तकरीबन 2,000 संदेश बिना पढ़े डिलीट कर देते हैं। सही है सर, ऐसा ही करना पड़ेगा ना, नहीं और काम के मैसेज चले जाते हैं, ऐसा भी हो जाता है, कोई बेहतर संदेश आपके लिए आया हो तो भी चला जीवन जाता की है। दिशा बदल दे जी, वो भी चला जाता है, चला जाता है, सही है। तो सोशल मीडिया संस्कृति से क्या कटे हैं हम जी, परायों में महान हो गए हैं, और अब हर तरफ खुल गए रास्ते, अब हर तरफ खुल गए रास्ते, पतन भी आसान हो गए हैं, सही बात, पतन भी आसान हो गए हैं, हम तनाव की दुकान हो गए हैं, हम सामाजिक हैवान हो गए हैं, हम सामाजिक हैवान हो गए जी। क्या बात है, वाह सर, खूब मजा आ गया सर आपकी बातों को, तो सब लोग सुन रहे हैं, हमारे दर्शक मित्र सुन रहे हैं, तो आपको भी मजा आया होगा। ये सोशल मीडिया के बारे में हमने बहुत सारी बातें की सर, लास्ट ये है कि हमारे जो युवा पीढ़ी है जी, तो उनके सुनहरे भविष्य के लिए आप कोई संदेश देना चाहेंगे सर? जी जी, मैं सिर्फ युवाओं को ही नहीं, बुजुर्गों को भी, महिलाओं को, पुरुषों को, बालकों को, सभी से निवेदन करूंगा जो मेरे भारत की भूमि पे रहते हैं, भारत की रोटियां खाते हैं, भारत का पानी पीते हैं, भारत की हवाओं में सांस लेते हैं, तो ज़रा चिंतन करें कि आप अगर ज़्यादा समय तक तकनीक के साथ रहे, इंटरनेट के साथ रहे, स्क्रीन पे अगर आप ज़्यादा रहे, तो मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि आने वाले 5 या 10 वर्षों में आप किसी काम के नहीं रहेंगे, ना आप निर्णय ले पाएंगे, ना आप सोच पाएंगे, ना आप बोल पाएंगे, आप गुम सुम मशीन हो जाएंगे। बिल्कुल,
अभी 80% मशीन हो ही चुके हैं सर, गुम सुम से बुलाएंगे तो बात करेंगे, और बात करना आएगा नहीं क्योंकि हम बोले नहीं, एक जमाने से बोले नहीं सर, हम तो संदेश ही लिख रहे हैं ना, लिख रहे हैं तो बोलना भूल जाएंगे साहब, लिखना भूल जाएंगे। इसलिए मैं भाग्यशाली मानता हूँ उन घरों को जहाँ पर स्मार्टफोन नहीं है। बिल्कुल सर, वे भाग्यशाली है लोग जिन्होंने अपने बच्चों को ये बंदर वाला उस्तरा नहीं दिया है। बिल्कुल, मैं समझदार मानता हूँ उन माता पिता को जो उन बच्चों को कम से कम इस प्रदूषण से बचा के रखा है। जी, भाग्यशाली है हमारे गांव, गांव में रहने वाले लोग जिनके पास में कोई विज्ञान की लंबी चौड़ी षड्यंत्र नहीं है, न उनको किसी तरह का झमेला है, अच्छी नींद सोते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, अच्छा जीवन जीते हैं। काश मेरा भारत फिर से वो भारत हो जाए जो कम से कम वक्त पे खाना खा सकें, वक्त पे सो सकें, वक्त पे लोगों से मिल सकें, रिश्तों को जी सकें, त्योहारों को पर्वों को हम एक दूसरे को बधाई देते, पास में सुबह सुबह पत्नी जगती है तो आप उसे सुप्रभात नहीं कहते हैं, लेकिन हजारों मील दूर बैठे हुए अपरिचित चेहरे को आप गुड मॉर्निंग, क्या गुड मॉर्निंग, जो तुम्हारे पास रोज तुम्हारी दिनचर्या का हिस्सा है, तुम बच्चों को आप सुप्रभात नहीं कहते, और कोई पता नहीं किसको जिसका चेहरा भी किसी और का है, सही है। आज आज हमारे जीवन का जो ऐसा प्रदूषण हो गया है कि फेसबुक पे देखें आप, इन तमाम माध्यमों में देखें, कल ही मैंने अखबार में पढ़ा कि कोई मोहतरमा किसी व्यक्ति की बातों में आकर विवाह करने के उद्देश्य से वो जब वहां पहुंची तो व्यक्ति तकरीबन 70 साल का निकला। अरे बाप रे, उसे बाद में पता चला कि उस मोहतरम की उम्र ही 70 वर्ष की है, फिर वहां से परेशान होकर दुखी होकर लौट। मतलब हम लोग चेहरों के लोग थोड़ी हैं साहब, लोग तो चेहरों पे चेहरे लिए बैठे हैं, हम चेहरेवादी लोग नहीं है, हम तो विचारवादी लोग हैं, संस्कारवादी लोग हैं। भारत को असामाजिक मत कीजिए, सामाजिकता से आप इस सामाजिक सतह काटिए ताकि कम से कम हम नई पीढ़ी को नई राह दे सकें, उनका उपयोग कर सकें, उनको अच्छा भविष्य दे सकें। चिंता कीजिए साहब, ये चिंतन की बात है, इस देश को सोचना होगा, संचार मंत्री सोचें, मोदी जी सोचें, जियो के मालिक सोचें कि साहब हम इस देश को दे क्या रहे हैं, लाभ क्या होगा, हानि ही हानि है, अगर सचेत न हुए तो परेशानी ही परेशानी है। तो बहुत अच्छी बात की सर हमने आज, इंटरनेट मोबाइल और सोशल मीडिया और विद्यार्थी और युवा पीढ़ी पर प्रभाव के बारे में हमने आज चर्चा की। सर बहुत बहुत आपका धन्यवाद, फिर से हम मिलेंगे और एक विषय पे चर्चा के साथ में, तो तब तक के लिए हमें रजा दीजिए, नमस्कार।